उन्हें हमारी रानिया बहुत पसंद आई है और उन... लेकिन भाभी मेरा दिल नहीं मान रहा मुझे वो लोग ज़रा अजीब से लगे हैं हमारा घर बार तो देख लें तो मेरी बात तो सुनो पूरी वो कह रहे थे किसी दिन हमारे घर मना कर दे क्या हो गया वो तो कौन सा घर चल कर देख लो ना कि? तो घर देख कर क्या करना है मेरी जिंदगी का सवाल है हम कब तक इस इनकार की जिल्लत को बर्दाश्त करेंगे

सूर्य एक दूसरे से देखिए नैला से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साइदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नेला तो जान बूझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख दो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूँ क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुलम सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से लम से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप किसी कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तो मैं हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहता था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साायदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो बहुत पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जान बुझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख तो उस लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुलम सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म सहे नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमज़ा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप किसी कहीं, कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमज़ा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साइदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहां पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पos, पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बाहर देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहां पर करूँगी नैला तो जान रानिया की शादी वहां पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर कर देख दो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देखकर क्या करूँगी नैला को भी गु़स्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठकर कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपने बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि आ, रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप कहीं कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें तो हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नाला साहिदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है सादा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जान बूझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख तो उस लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का कर रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देखकर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो साइदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजिया में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुलम सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानियाँ मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें तो हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साायदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बाहर देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जानबूझकर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर कर देख लो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का कर रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देखकर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजिया में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठकर कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपने बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या अशर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप कहीं कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तो मैं हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साइदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साइदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो बहुत पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जान कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख दो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म से है तो नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमज़ा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या अशर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप कहीं कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमज़ा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साइदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है, है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बाहर देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जानबूझकर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जा कर देखो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठकर कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपने बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमज़ा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमज़ा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि अब, रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मार रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप किसी कहीं, कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तो मैं हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साइदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन साइदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जान बुझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख तो उस लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप किसी कहीं से और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साहदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है सायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो बहुत पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जान बुझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख तो उस लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म सहे नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठकर कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वह लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप कहीं कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें तो हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नाला साहिदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साइदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो बहुत पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जान बुझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख दो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजिया तो में डालूँ क्योंकि उसने पहले ही बहुत म सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप किसी कहीं से और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें तो हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साइदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बाहर देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जानबूझकर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर कर देख लो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का कर रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देखकर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजिया में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपने बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या असर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप किसी कहीं, कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें तो हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नाला साल से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है साइदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो बहुत पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नैला तो जान बुझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख दो तो लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से जुल्म से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमज़ा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या अशर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती हालांकि वो उसे मोहब्बत करती थी लेकिन उसे ये नहीं मालूम को उसकी माँ की वजह से उसे मना कर रही है और फिर आप देखेंगे कि रानिया को जब मालूम होता है कि उसकी माँ भी नहीं मान रही कि वो लड़के वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन रानिया कहती है कि बस आप कहीं से और कहीं और देखें और मेरी शादी कर दें और मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि रानिया की माँ बार बार यही कहती है कि तुम्हें तो हमजा वालों को इनकार नहीं करना चाहिए था मुझे हमजा बहुत पसंद है और मुझे मालूम है कि हमजा तुम्हें बहुत खुश रहे रखेगा लेकिन रानिया तो हमजा का नाम लेते ही भड़क उठती है और कहती है कि मैं हमजा से शादी नहीं करूँगी कि नैला साइदा से कहती है कि रानिया को पसंद कर लिया है लड़के वालों ने और लड़के ने भी पसंद कर लिया है सायदा परेशान हो जाती है और वो नैला से कहती है कि मुझे लड़के वाले बहुत ही अजीब लगे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँ नैला कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रानिया को वो पसंद कर गए हैं और तुम खुद भी जाकर लड़के वालों का घर देखो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा घर बार देखो आकर और लेकिन सायदा तो मान ही नहीं रही कि मैं रानिया की शादी वहाँ पर करूँगी नेला तो जान बूझ कर रानिया की शादी वहाँ पर करवाना चाहती है ताकि उसके बेटे की जान छोड़े और नैला कहती है सायदा से कि तुम एक दफ़ा जाकर देख तो उस लो उनका घर बार लेकिन सायदा कहती है कि जब रानिया का रिश्ता करना ही नहीं है वहाँ पर तो मैं देख कर क्या करूँगी नैला को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये मत भूलो कि रानिया बेवा है और बेवा का रिश्ता इतना अच्छा हो रहा है और तुम नखरे कर रही हो सायदा कहती है कि नहीं मैं अपनी रानिया का रिश्ता यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं आए और रानिया को भी इतने अजीब लगे हैं लोग इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं रानिया को दूसरी दफ़ा फिर दोबारा अजियतों में डालूं क्योंकि उसने पहले ही बहुत जुलम सह चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी फिर दोबारा से लम से है नैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उठ कर वहाँ से चली जाती है और हमजा अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों की वजह से रानिया मना कर रही है तो उसका बाप कहता है कि हम कब तक अपनी बेजती करवाते रहेंगे इनकार करके वो वो तो साफ साफ इनकार करी है कि वो हमजा से शादी नहीं करेगी लेकिन अब क्यों शादी कर रही है और हमजा कहता है कि किसी न किसी ने तो उसे भड़काया है तो ऐसे में नैला अपने शोहर के पीछे छुप रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अगर रानिया ने मुँह खोल दिया तो उसका क्या शर होगा और हमजा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और दुखी भी होता है कि रानिया कैसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है और वो भी किसी और के साथ जबकि उसे मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती